चलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा 23 जून को, कांग्रेस अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। आपको बता दें कि 23 जून को होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, CWC की बैठक में लिया गया है ये फैसला। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ममता, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? ममता, आप तक आवाज पहुंच रही है? सवाल दो है, CWC की बैठक में फैसला लिया गया है कि जल्द ही मीटिंग होगी और ये जो चुनाव होगा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है जिसमें तस्वीरें साफ हो गई हैं, जिसका काफी समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर खुद ऐलान केसी वेणुगोपाल ने किया है और उन्होंने कहा है कि 23 जून को वोटिंग होगी और कांग्रेस पार्टी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसका ऐलान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद किया है। जिस तरीके से 5 राज्यों में लगातार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उसको देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी मौजूद रही और उन्होंने साफ तौर पर राज्यों में हार को लेकर समीक्षा की। साथ ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर जो वर्किंग कमेटी की लगातार बैठक चल रही थी उसमें उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर आगे कुछ समय में जो प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाएगा और 23 जून को वोटिंग की जाएगी ताकि कांग्रेस पार्टी को। ममता, अंदर खाने क्या बातें चल रही हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, वो कौन कौन से नाम है जो इस वक्त इसमें आगे चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का सवाल है, अभी तक तो गांधी परिवार से ही लोग रहते अभी तक होते आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई कांग्रेस पार्टी का वो कोई गैर गांधी होगा या फिर कोई गांधी ही होगा। अमूमन गांधी की ही परंपरा है तो मुमकिन है कि आगे भी संभावना है कि राहुल गांधी हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर एक बड़ा विवाद कांग्रेस पार्टी में पहले से खड़ा हो गया था जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत कई नेता, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के थे जिन्होंने चिट्ठियां भी लिखी थी कि ऐसा क्यों है कि लोकतंत्र नहीं है पार्टी में, हमेशा एक गांधी ही क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, गैर गांधी क्यों नहीं हो सकता। हालांकि जितने भी नाराज नेता थे वो भी आज कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में शामिल हुए, लेकिन सवाल ये बना रहेगा और 23 जून को साफ हो पाएगा, इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि क्या कोई गैर गांधी होगा या फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई गांधी ही होगा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तस्वीरें साफ हो गई हैं कि अब 23 जून को वोटिंग हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। चलिए, शुक्रिया आपका ममता तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, आनंद शर्मा समेत CWC के बाकी सदस्य शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनावों में हार की समीक्षा हुई। इसके साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर टीकाकरण की जिम्मेदारी को त्यागने और इसे राज्यों पर छोड़ने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा, अगर केंद्र वैक्सीन फ्री में मुहैया कराता तो उचित होता। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता जताई। साथ ही हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार की समीक्षा भी हुई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।